नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह और एसपीएल लैब लर्निंग में आपका स्वागत है। अक्सर करके लोग मुझसे पूछते हैं, सर अगर आप यूट्यूब से पैसा नहीं लेते हैं तो कहां से आप पैसा कमाते हैं, वो कौन सा ऑनलाइन काम करते हैं जहां से आप पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जहां से यूट्यूब की तरह लाख दो लाख रुपए महीने नहीं मिलता है, वहां से आप 5-10 लाख रुपए महीने बड़े ही आराम से कमा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर पैसा केवल वही व्यक्ति कमा सकता है जिसके पास कम से कम एक कंप्यूटर हो और वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। YouTube पर बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी पैसा कमा सकते हैं क्योंकि YouTube पर किसी भी टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। YouTube पर तो सिंपली आप अपना वीडियो बनाइए, अपलोड कर दीजिए, अगर आपका वीडियो चलता है तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन YouTube के अलावा जो दूसरा काम मैं आपको बताने वाला हूं वो है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर आज के समय का इतना बढ़ता हुआ काम है कि इसमें लगभग 55% लोग काम करते हैं और पैसे के मामले में इसमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। यानी आप एक घंटे में 5,000, 10,000, 15,000 कितना भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिंपल सी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, कम से कम एक कंप्यूटर होना चाहिए क्योंकि इस काम को आप मोबाइल से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पर लिमिटेड फंक्शन होते हैं और आपको इसमें थोड़ा टाइपिंग की या फिर कंप्यूटरी नॉलेज की आवश्यकता होती है। साथ में कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लोकल काम भी है। तो ये सारी चीजें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं यूट्यूब और फ्रीलांसर में क्या अंतर है, या फिर ब्लॉगिंग और फ्रीलांसर में क्या अंतर है। YouTube और ब्लॉगिंग ये दोनों ही एक तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। YouTube पर सिंपली आपको अपना वीडियो बनानी है, अपना YouTube पर चैनल बनाना है और उस पर अपना वीडियो डाल देना है। कुछ दिन तक आपकी वीडियो चलेगी, जैसे ही आपके 4,000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप YouTube को अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो गया तो उस पर जितने ज्यादा एड्स प्ले होंगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, और ज्यादा एड्स तभी प्ले होंगे जब आपकी वीडियो ज्यादा चलेगी। सेम कंडीशन ब्लॉगिंग के लिए होती है, ऐसे ही आपको अपना एक ब्लॉग बनाना होता है, चाहे तो आप ब्लॉग फ्री में बना सकते हैं या फिर पैसे लेकर। यह सारी जानकारी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एसपीएल लैब लर्निंग को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये तमाम जानकारियां मिलती रहें। उसके बाद वेबसाइट आपकी तैयार हो जाती है, ब्लॉग आपका तैयार हो जाता है, तो उसको भी आपको एडसेंस या एडमोव से मोनेटाइज करना होता है। आपकी वेबसाइट पर एड आना शुरू हो जाता है, जितने ज्यादा विजिटर आपकी वेबसाइट पर आते हैं उतना ज्यादा पैसा आपको मिलता है। अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो यूट्यूब से लगभग 1-1.5 लाख रुपए महीने आदमी कमा लेता है, और ब्लॉगिंग की बात करें तो इसे लगभग 3-4 लाख रुपए महीने आदमी बड़े आराम से कमा लेता है अगर वो हर दिन 1 घंटा काम करे। लेकिन उसकी अपेक्षा यहाँ पर मैं आपको एक नया प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ जिस पर मैं पिछले लगभग 1.5 साल से काम कर रहा हूं और इसकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। अच्छी बात इसमें यह होती है कि हमें पता होता है कि कितना काम हम करने वाले हैं और हमें उसका कितना पैसा मिलेगा। लेकिन YouTube या ब्लॉग में ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपकी वीडियो 1 लाख चल जाए तब भी आपको 100 रुपए मिले और 1 लाख चलने पर आपको 10,000 भी मिल सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसर में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसर में हमें पहले से पता होती है कि हम कितना काम करने वाले हैं और हमें उसका कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं फ्रीलांसर इंडस्ट्री आखिर है क्या और कैसे ये काम करती है। फ्रीलांसर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यानी बहुत सी ऐसी वेबसाइटें हैं जो फ्रीलांसिंग का काम कराती हैं। फ्रीलांसिंग दो तरीके से चलती है, एक तरफ होता है क्लाइंट जिसका काम करना है, दूसरी तरफ होता है काम करने वाला जो काम करेगा। इन दोनों को एक जगह जोड़ने वाली वेबसाइटों को कहते हैं फ्रीलांसर वेबसाइट। यहां पर मान के चलिए मेरे पास कोई एक अंग्रेजी का आर्टिकल है, एक अंग्रेजी में लिखा हुआ कुछ है और मुझे उसको हिंदी में कन्वर्ट करवाना है, तो मैं उसको इस फ्रीलांसर वेबसाइट को भेज दूंगा। यहां से काम करने वाला कोई मेरा आर्टिकल देखेगा कि एक फ्रीलांसर की आवश्यकता है अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो मैंने किसी जो फ्रीलांसर वर्कर है उसने उस आर्टिकल को देखा। यहाँ पर जो कंपनी है वो पहले से उस पर रेट डाल देती है कि इस आर्टिकल को बदलने का मैं 500 रुपए दूंगा अगर कोई मुझे इसे हिंदी में कन्वर्ट करके देता है। तो इधर से वर्क करने वाले ने उस आर्टिकल को देखा, उसने उसे पकड़ा
और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। जैसे आप सबमिट करेंगे, किसी किसी वेबसाइट में तुरंत पैसा मिल जाता है, किसी में 2-3 घंटे का समय लगता है, किसी में 24 घंटे का समय लगता है, बहुत सी वेबसाइट ऐसी भी है जिनमें 3 दिन का समय लगता है। यानी उस कंपनी के पास जैसे ही आपका काम पहुंचेगा, वो आपके काम को चेक करेगा कि आपने काम कर दिया या नहीं किया, कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर उसको लगा कि आपने काम परफेक्ट किया है तो तुरंत ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मोस्टली नए नए लोगों को इसमें थोड़ी बहुत शिकायत रहती है शुरू शुरू में, जैसे मेरे साथ भी शुरू शुरू में बहुत ही परेशानियां हुई थी। पहले मैं काम तो कर देता था लेकिन मुझे पूरा पैसा नहीं मिलता था, और शुरू शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था तब लगभग 1 घंटे का 500-600 रुपए ही मिल पाता था, उससे ज्यादा नहीं। तो मुझे ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था, 8-8, 10-10 घंटे में लगातार काम करता रहता था, जब जाके 5-7 हजार रुपए एक दिन का बन पाता था। लेकिन अभी मैंने कुछ अच्छी वेबसाइटों पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली है और वहां पर डॉलर में पैसा मिलता है, यानी 1 घंटे का तकरीबन $200-$200 तक मिल जाता है, $300-$300 तक मिल जाता है, यानी $300 का मींस हो गया लगभग 18,000 रुपए। यानी अगर 1 घंटे में आप 18,000 रुपए कमाएंगे और एक दिन में आप 4 घंटे भी काम करते हैं, और एवरेज आप मान के चलो 10,000 रुपए घंटे भी आप कमाते हैं और एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं, तो आपकी 40,000 रुपए की इनकम एक दिन की हो गई। ये होता है फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसर में जॉब जो होती है वो ऑल वर्ल्ड होती है, सारे दुनिया के लोग अपना काम करवाते हैं फ्रीलांसर से। अब लोग फ्रीलांसर से काम क्यों करवाते हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपको अपनी वेबसाइट पर कुछ डिजाइनिंग करवानी है, या फिर आपकी वेबसाइट पहले से है और आपको वेबसाइट पर कुछ पोस्टर वगैरह भरवानी है, कुछ आर्टिकल डलवाने हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसके लिए एक एम्प्लॉय रखेंगे अपनी कंपनी में। अब एम्प्लॉय की कॉस्टिंग हो गई मान के चलो 30,000 रुपए महीने, साथ में उसके लिए एक ऑफिस भी देना पड़ेगा आपको, तो ऑफिस का रेंट भी लगभग 20,000 रुपए महीने हो गया, साथ में उसके चाय कॉफी पानी का भी इंतजाम आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी लगभग आप 5,000 रुपए का और उसका खर्चा मान लीजिए। यानी 30,000 रुपए सैलरी, 20,000 रुपए ऑफिस का रेंट, 5,000 रुपए के उसके और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, तो यानी वो टोटल पड़ेगा आपको 55,000 रुपए महीने में। और आपकी वेबसाइट पर डेली काम होता नहीं है, आपको महीने में केवल 4 दिन ही काम करवाना है। अब 4 दिन का काम आप या तो 55,000 रुपए देकर उस एम्प्लॉय से करवाएं, या फिर उस काम को किसी फ्रीलांसर से करवा लें, और वेबसाइट पर 4 दिन के लिए आप मात्र 2-2 हजार रुपए के अपने आर्टिकल डाल दें, तो 4 दिन में मात्र 8,000 रुपए फ्रीलांसर लेगा और आपका उतना ही काम कर देगा और उससे बेहतर कर देगा। लेकिन वहीं अगर आप एम्प्लॉय रखते हैं तो उसको 55,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यही कारण है कि आज फ्रीलांसर इंडस्ट्री 55% तक पहुंच चुकी है, यानी जितने भी काम इस दुनिया में होते हैं, जितने भी रोजगार होते हैं, उससे ज्यादा रोजगार फ्रीलांसर इंडस्ट्री के अंदर है। अब फ्रीलांसर का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपको काम भी अपने ही घर से करना है, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और आप फ्री होने चाहिए काम करने के लिए। काम 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हैं, ना आपको कोई कपड़े पहनने की दिक्कत, ना कुछ। अब आप मुझे देख लीजिए, इस समय पर सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं अभी अपना फ्रीलांसिंग का काम करके सोने जा रहा हूं, तो सोचा उससे पहले आपको आज बता दूं कि आखिर ये फ्रीलांसिंग है क्या और इससे कैसे लोग बहुत जल्दी लाखों रुपए और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में क्या है, हर तरह का काम है, हर तरह का काम जो आप सोच सकते हैं वो हर काम है। साथ में इसमें लोकल काम भी आपको मिलते हैं, जैसे मान के चलिए अगर आप आईटी से हैं तो आप वेब डिजाइनिंग, फोटोशॉप या फिर पेज मेकर, कोई भी एप्लीकेशन पर तो काम करना आपको आता ही होगा, कंप्यूटर अगर आप चलाते हैं तो उसी से संबंधित आप काम ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर सिंगर को भी काम मिल जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग का भी काम मिल जाता है, अगर आप हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट कर सकते हैं तो ट्रांसलेटर का काम मिल जाता है, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेटर का काम मिल जाता है। साथ में दूसरी और तमाम भाषाएं हैं जो अंग्रेजी से, मान के चलो कोई चाइनीज है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाना है, कोई चाइना की कंपनी है और उसको एक लेटर इंडिया भेजना है तो वो उस लेटर को हिंदी में कन्वर्ट करवाएगी।
अगर आप विदेशी किसी वेबसाइट का आर्टिकल पकड़ते हैं तो उसमें आपको कॉस्टिंग ज्यादा मिलती है। जैसे अमेरिका के एक एक पेज के आर्टिकल का वो 100-100 डॉलर में आपको ट्रांसलेटिंग का पैसा देते हैं। अब मान लीजिए एक ए फोर साइज का एक लेटर है और अमेरिका का है वो, और उसने हिंदी में उसे कन्वर्ट करवाया है और मैंने उसे हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया। अब उस एक लेटर को हिंदी में कन्वर्ट करने में मुझे लगभग 15-20 मिनट लगेगा, और 15-20 मिनट का मुझे $100 मिल जाएगा। $100 का मीन्स हो गया लगभग 6,500 रुपये। तो इस तरह से फ्रीलांसिंग में काम होता है। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको काम करना है, कैसे अपना प्रोफाइल बनाना है और कैसे इसकी शुरुआत करनी है। ये थोड़ा सा इंट्रो वीडियो मैंने आपको आज बताया है और मैं इसकी रेगुलर फ्रीलांसिंग की वेबसाइट आपको दूंगा। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको अंग्रेजी पढ़ना थोड़ा आता हो, हालांकि मैं आपको कुछ हिंदी वेबसाइटें भी बता दूंगा कि जिनसे आप काम कर पाएंगे और बहुत अच्छा पैसा आप इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं। और यहाँ पर अनगिनत जॉब हैं, यानी जो लोग कहते हैं ना कि आज बेरोजगारी है, बेरोजगारी कुछ नहीं है, रोजगार के तरीके बदल गए हैं। पहले रोजगार ऑफलाइन हुआ करता था कि हम किसी ऑफिस में जाके काम करते थे, लेकिन अब रोजगार ऑनलाइन हो गए हैं। ऑनलाइन में ये फायदा है कि आपको यहाँ पैसा ज्यादा मिलता है, सिक्योर मिलता है, और आपको काम कम करना पड़ता है, या ना तो आपको तैयार होने की जरूरत, ना घर से कहीं बाहर जाने की जरूरत, सारी चीजें आपके घर एक लैपटॉप पर ही मिल जाती हैं। हाँ, और अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आप लैपटॉप की बजाय डेस्कटॉप खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है। तो आशा करते हैं ये वेबसाइट आपको पसंद होगी और आप तैयार होंगे मेरी नेक्स्ट वेबसाइट के लिए, जिसमें मैं आपको फ्रीलांसिंग की कुछ वेबसाइटें बताऊंगा जिनसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि बहुत सी वेबसाइटें आपको मिल जाएंगी जिनमें बहुत सी वेबसाइटें फेक होती हैं, उनसे आपको अच्छा पैसा नहीं मिल पाएगा, या फिर वो लोग आपसे ज्यादा काम करवाएंगे और आपको पैसा ज्यादा नहीं देंगे। तो मैं उसका पूरा तरीका आपको आगे वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि देखिए एक वीडियो में आप सारी चीजें सीख नहीं सकते और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वो कौन सी वेबसाइट है जिनसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैं अभी लगभग 6 वेबसाइटों पर काम कर रहा हूं और 6 की 6 वेबसाइटों से मुझे अच्छा पैसा मिल चुका है। ये यूट्यूब चैनल है, ये संस्था का है, इसलिए मैं इससे पैसा नहीं लेता हूं, क्योंकि ये स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है और ये मेरी तरफ से एक उपहार है इस संस्था के लिए जो मैं इसमें वीडियो डालता हूँ। मेरी वीडियो से हालांकि महीने का 3-4 लाख-5 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है और इससे संस्था को थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यही वो चैनल है जहां से आप हर महीने 1 लाख-2 लाख या 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। बाकी के आपको पता ही होगा यूट्यूब पर कैसे कैसे वीडियो आते हैं और उन्हीं को अक्सर करके लोग देखते रहते हैं, जिससे वो अपना टाइम भी खराब करते हैं, माइंड भी खराब करते हैं और कंगाली भी झेलते रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ नमस्कार।